नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त केवी और इस वीडियो में हम 27 फरवरी 2020 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया गया? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया गया लद्दाख के लेह जिले में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। वैश्विक वित्तीय फर्म मास्टर कार्ड ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ थे भारतीय मूल के अजय बंगा। तो अब इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और याद रखिएगा, नए सीईओ होंगे मास्टर कार्ड के, इनका नाम है माइकल माइबैस। क्या नाम है? माइकल माइबैस नए सीईओ होंगे किसके? मास्टर कार्ड कंपनी के, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और यह कंपनी है यूएसए की। तो यहां पर आप देख सकते हैं अजय भंगा को। फरवरी 2020 में राजीव गांधी भूमिगत जल प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है, उद्घाटन कहां किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजस्थान का जोधपुर, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी रायपुर है, सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर यहाँ की अनुसुईया उइके। इसरो किस रॉकेट की सहायता से अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट GISAT-1 को लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा GSLV-F10 की सहायता से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 5 मार्च 2020 को इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। और अगर हम बात करते हैं GISAT-1 की, तो यह एक निगरानी और इमेजिंग के उद्देश्य से लॉन्च किया गया सैटेलाइट होगा। और इसरो ने अभी जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की थी, उन्होंने इस प्रकार से 10 अन्य उपग्रह लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। इसरो की बात करें तो स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 को हुई थी, मुख्यालय है बेंगलुरु में और के सिवन इसके अध्यक्ष हैं। मानसिक स्वास्थ्य की जेनेरिक दवाओं के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता किया है? तो भारत ने यह समझौता किया है यूएसए के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर थे, उसी दौरान यूएसए के बाजारों में जो हमारे यहाँ की जेनेरिक मेडिसिन है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, उसकी पहुँच को आसान बनाने के लिए ये समझौता किया गया है। साथ ही साथ भारत की केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन और अमेरिका की खाद्य व दवा प्रशासन के बीच में मेडिकल उत्पादों के लिए भी समझौता हुआ है। और वहीं पर IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एक्सन मोबिल इंडिया LNG लिमिटेड और चार इंडस्ट्रीज के बीच में भी समझौता हुआ है। और एक $3 बिलियन की डील हुई है डिफेंस सेक्टर में। और इसके अंतर्गत भारत 6 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर और 24 MS-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर, जिसे हम रोमियो हेलीकॉप्टर के नाम से जानते हैं, ये यूएसए से खरीदेगा। फरवरी 2020 में किसके द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए UPI चलेगा अभियान लॉन्च किया गया? तो ये अभियान लॉन्च किया गया है NPCI के द्वारा, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये अभियान लॉन्च किया गया। और NPCI की बात करें तो इसका पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये स्वदेशी कार्ड जो हमारे यहाँ का है रुपे, उसका निर्माण भी NPCI ने किया है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। RBI ने किस बैंक के ऊपर नए ब्रांच खोलने को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया? तो ये प्रतिबंध इन्होंने लगाया था 2018 में। किसके ऊपर? बंधन बैंक के ऊपर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जो शेयर होल्डिंग के संबंध में RBI की गाइडलाइन है, उसका उल्लंघन करने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार बंधन बैंक के ऊपर RBI के द्वारा बैन लगाया गया था। और यहाँ पर अब इन्हें नई शाखा खोलने का अनुमति मिल चुकी है। और यहाँ पर बंधन बैंक को जो नई शाखा खोलेगी बंधन बैंक, उनमें से 25% जो शाखाएँ होंगी उन्हें ग्रामीण इलाकों में खोला जाएगा। बंधन बैंक की बात करें तो स्थापना 23 अगस्त 2015 को हुई थी, मुख्यालय है कोलकाता में और इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं अनूप कुमार सिन्हा। एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड यानी कि यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यहां पर भारत का पहला राज्य बना है, ये है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए
करेक्ट होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये है मध्य प्रदेश। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह है उत्तर प्रदेश। दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। तो मध्य प्रदेश ने न केवल यहाँ पर यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन को लॉन्च किया, साथ ही साथ यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस को भी लॉन्च किया है। तो यह एक प्रकार का स्मार्ट कार्ड होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें एक चिप भी लगी होगी, QR कोड होगा, और इसके माध्यम से जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा उससे उस भी यूजर की सारी जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। भारत व अन्य किस देश की वायुसेना के बीच इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण की शुरुआत हुई है? तो ये सैन्य अभ्यास होता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है हिंडन एयरबेस पे। UK के साथ में हम दो अभ्यास और करते हैं, एक तो है अजय वॉरियर जो कि आर्मी करती है दोनों देशों की, और एक है कोंकण अभ्यास। कोंकण ये हमारी नौसेनाएं करती हैं। तो यहां पर आप लोकेशन देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम की। इसमें कुल 4 देश आते हैं, इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, और है उत्तरी आयरलैंड। 26 फरवरी 2020 को किस देश के राष्ट्रपति यू विन मिंट भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए? तो ये राष्ट्रपति हैं म्यांमार के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। म्यांमार जिसकी राजधानी नेपिटा है, स्टेट काउंसलर यहाँ की है आन सान सू की, और मुद्रा यहाँ की है क्यात। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं म्यांमार की, जो कि भारत, चीन, लाओस, थाईलैंड के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। 26 फरवरी 2020 को किसके द्वारा UKIERI UGC हायर एजुकेशन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हम इस प्रोग्राम की बात करते हैं, तो भारत में आपको एक संस्था मिलेगी जिसका नाम है UGC। उसी प्रकार से ब्रिटिश काउंसिल है यूनाइटेड किंगडम इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इन दोनों का यह एक संयुक्त उपक्रम है, ज्वाइंट वेंचर है, जिसके अंतर्गत जो भी हमारे कॉलेज हैं वहाँ पर सीनियर और मध्यम स्तरीय अकादमिक प्रशासकों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार से हमारे कॉलेजों की जो गुणवत्ता है उसको और बेहतर बनाया जा सके। फरवरी 2020 में किस मंत्रालय द्वारा संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की है श्रम मंत्रालय ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसे हम ESIC के नाम से जानते हैं, इसके स्थापना दिवस पे श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी के द्वारा ये घोषणा की गई, और इन्होंने 24 फरवरी से 10 मार्च के लिए ESIC स्पेशल सर्विस फोर्ट नाइट को भी लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत डेली स्वास्थ्य जांच की जाएगी, जो भी पेंडिंग बिल है उनके लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे, और जिनकी मृत्यु हो गई है या फिर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हुई है उनके लिए नगद लाभ की भी सुविधा उपलब्ध होगी 24 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक। राष्ट्रीय साइबर शोध व नवाचार केंद्र, बात हो रही है यहाँ पर नेशनल साइबर रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर की, तो इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो उद्घाटन इसका किया गया है हैदराबाद में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हैदराबाद के सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में राज्य गृह मंत्री GK रेड्डी के द्वारा उद्घाटन किया गया, और ये जो केंद्र होगा यह मदद करेगा साइबर अपराध को रोकने के लिए शोध में, और साथ ही साथ यह ट्रेन करेगा साइबर अपराध के को रोकने के लिए ट्रेनियों को। फरवरी 2020 में किसे मैकगिल पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर यह पदक मिलेगा, इनका नाम है राणा अयूब। तो ये आप देख सकते हैं राणा अयूब को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मैकगिल पदक की बात करें तो यह साहसिक पत्रकारिता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, और वर्तमान में ये द वाशिंगटन पोस्ट की एक पत्रकार है। और याद रखिएगा 2019 में टाइम्स मैगजीन ने एक रिपोर्ट जारी की थी, टाइम्स पत्रिका ने, जिसमें ये बताया था कि जो दुनिया के 10 शीर्ष पत्रकार हैं जिनकी जान को सबसे ज़्यादा खतरा है उनमें से राणा अयूब एक है। खोला यानी कि खोलची मिर्च के लिए किस राज्य को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया? तो ये मिला है गोवा राज्य को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। GI टैग की अगर हम बात करते हैं तो यह एक विशेष प्रकार का कानूनी टैग होता है, यानी कि जिससे किसी भी पदार्थ की गुणवत्ता और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित होती है, और ये दिया जाता है गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट
1999 इंडियन पेटेंट ऑफिस कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क DIPP और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। तो ये भी आपको याद रखना है। तो खोलची मिर्च कहाँ की है? गोवा की। बिम्सटेक समूह के देशों के अंतर्गत बिजली ग्रिड परियोजना भारत, म्यांमार और अन्य किस देश को जोड़ेगी? तो यह जो बिजली ग्रिड परियोजना है यह जोड़ेगी भारत, म्यांमार और थाईलैंड को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 3000 किलोमीटर यह लंबी बिजली ग्रिड परियोजना होगी। बिम्सटेक की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। मुख्यालय है ढाका में और सात इसके सदस्य देश हैं। थाईलैंड की बात करें तो राजधानी यहाँ की बैंकॉक है। मुद्रा है बहत और PM है प्रयुत चान ओचा। जावेद अशरफ किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए? तो जावेद अशरफ ये नए राजदूत बने हैं भारत के फ्रांस में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये स्थान लेंगे विनय मोहन क्वात्रा का। आपको याद होगा कि विनय मोहन क्वात्रा की नियुक्ति हुई है भारत के राजदूत के रूप में नेपाल में। फ्रांस की बात करें तो राजधानी यहाँ की है पेरिस। मुद्रा है यूरो या फिर CFP फ्रैंक, तो दोनों यहाँ की मुद्राएं हैं। और राष्ट्रपति यहाँ के इमैनुअल मैक्रोन। विश्व स्वर्ण परिषद बात हो रही है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, तो इसके अध्यक्ष कौन बने? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है कैल्विन दुस्निसकी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और अगर हम बात करते हैं विश्व स्वर्ण परिषद की तो इसका मुख्यालय है लंदन में। अगला प्रश्न है फरवरी 2020 में होसनी मुबारक का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये पूर्व राष्ट्रपति थे इजिप्ट यानी कि मिस्र के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मिस्र की अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी कायरो है। राष्ट्रपति यहाँ के हैं वर्तमान में अब्देल फत्ताह एल सीसी और मुद्रा यहाँ की है इजिप्टियन पाउंड। और आखिरी प्रश्न है विश्व के सबसे उम्र दराज व्यक्ति चितेसु वातानाबे का 112 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह किस देश से थे? तो चितेसु वातानाबे की बात करें तो ये थे जापान के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब कल के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने जगनन्ना वसती दिवेना योजना को लॉन्च किया? तो इस योजना को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इसके अंतर्गत जो भी आंध्र प्रदेश में ITI पॉलिटेक्निक स्नातक और परा स्नातक के छात्र हैं उनको हॉस्टल और मेस के खर्चे के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बनाना का आयोजन किया जाएगा? और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि जो बनाना यानी कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको नीचे बताना है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।